अनुपमा की कहानी में काव्या को बहुत कुछ सुनाने वाली है पाखी, क्योंकि पाखी और अनुपमा दोनों अलग हो चुके हैं। जहां पाखी ने हमेशा अनुपमा को गलत ही समझा है, लेकिन वहीं अनुपमा की बहादुरी काफ़ी पसंद आएगी पाखी को। वो अपनी माँ को गले लगाएगी, जहां माँ की तारीफ भी करेगी, पर वहीं अपने घर यानी कि अपने पापा के घर पहुँचेगी, जहाँ काव्या की लापरवाही पाखी को पसंद नहीं आएगी और पाखी कंपैरिजन शुरू कर देगी और कह देगी कि मेरी मम्मा होती तो ये कर लेती है, लेकिन आपको प्रॉब्लम होती है। एनुअल फंक्शन को लेकर अब होने वाला है तमाशा, क्योंकि काव्या सीधा इनकार करने वाली है और कहने वाली है कि तुम मेरे सर का दर्द बन चुकी हो, कब मेरी ज़िंदगी से निकलोगी और कब बर्बाद की ज़िंदगी से निकलोगी, यही मैं चाहती हूँ। हालांकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।